सोना खरीदना अब आसमान छूने के बराबर हो गया है, क्योंकि सोने के दाम धीरे धीरे करके आज 41,500 से ऊपर हो चुके हैं। और ऐसे में सोना खरीदना किसी आसमान छूने से कम नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस को आपने सुना है, जाना है, और इस समय उसकी न्यूज़ काफ़ी तेजी से आपको मीडिया से मिल रही है, और इसका संकट धीरे धीरे गहराता जा रहा है। अब तक 2,000 लोगों की लगभग यहाँ पर मौत हो चुकी है, और इस वजह से एक डर का माहौल है। और डर के माहौल में जो सबसे ज़्यादा चमक रहा है वो है सोना। सोने को लोग खरीद कर अपने आप को हेज करना चाहते हैं। इस वजह से भी जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन या कच्चे तेल की प्राइसेस बढ़ती थी तो सोने की परचेजिंग बढ़ जाती थी। लेकिन अब पहली बार किसी वायरस की वजह से सोने में तेजी आपको यहाँ पर कंटिन्यू जारी होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या सोना खरीद के रखना चाहिए इन लेवल्स पर जब 41,500 के भाव हों, इसको जानते हैं। सोने के दामों में आने वाले समय में बहुत जल्द आपको 42,000 के दाम देखने को मिल सकते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर लगभग $1,650 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा हिस्टोरिकल अगर आप देखते हैं तो 2018 में ये दाम इंटरनेशनल भाव जो है वो $1,194 थे, और $1,600 के आसपास आके वापस से एक बार गिरावट देखने को मिलती थी। लेकिन अब इस बार $1,600 के ऊपर यहाँ पर सोना चल रहा है, और अभी ये उम्मीद जताई जा रही है कि करेंसी में जो यहाँ पर फ्लक्चुएशन है उसका भी इम्पैक्ट सोने को फायदा उसका सीधा सीधा फायदा सोने को मिलेगा। तो ऐसे में सोने के दाम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको करना ये है कि अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो या तो आप 3 से 4 महीने रुकिए, क्योंकि अगर जब तक करेक्शन यहाँ पर नहीं होता तब तक आप सोने को खरीदने से बचें। और अगर खरीदारी करनी है तो 40,800 ही भाव है जिसमें आप सोने की खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी सोना 42,000 तक जाता हुआ नजर